कल जैसे बताया कि सत्य है वही है अपनी जगह स्थित, हम उसकी कल्पना नहीं करते, उसके बारे में हम कोई भी उपमा वर्णन नहीं दे सकते, नहीं उसको हम बदल सकते। और दूसरी बात ये है कि इस मानव के बनाने हम उस सत्य को जान रहे हैं, यह तो मानना चाहिए कि आए अब अपनी चरम सीमा पे पहुंच गए और उससे उसको फायदा नहीं किया, किंतु उसके साथ ही साथ एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, प्लास्टिक के वाहन तैयार कर रहे हैं। प्लास्टिक युग में जो कुछ भी हुआ वो इस तरह सीमा से बाहर काम गया कि आप जानते हैं कलकत्ता शहर में भी इस कदर प्रदूषण। ये सब होने का कारण ये ऐसा है कि पुरुष अपना संतुलन खो बैठे, वो ये नहीं जानता है कितने दूर जाना है और कहाँ उसे रोकना है। इस वजह से जो कुछ भी मनुष्य करता है वो बाद में उसी पर पूरा करता है। मानव की सारी चेतना जो आज हमें प्राप्त ही नहीं है, ये हमारे क्रांति में, हमारे रिवॉल्यूशन में हमें सहज नहीं है। हमने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिससे हम मानव सहज में आपने इसे प्राप्त किया। जो चीज आपने सहज से प्राप्त की है वो बड़ी ऊंची श्रेष्ठ चीज है कि आप मानव हो गए और इस मानव पुत्र में परमात्मा ने आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी कि आप चाहे तो स्वर्ग की ओर जाए और चाहे तो नर्क की ओर जाए। अब आजकल के जमाने में परमात्मा का नाम लेना भी लोग को सुन रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कल कहा था ये बहुत अशास्त्रीय है कि बगैर परमात्मा की खोज के बगैर भी अगर हम कहें परमात्मा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने अपने एक तरह से धारणा को बना लिया है और उसी पर हम जमे बैठे हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं। मैं कहती हूँ परमात्मा है, इतना ही नहीं किंतु चारों ओर उनकी ये प्रेम की दृष्टि है, ये परम चैतन्य स्वरूप चारों तरफ फैले हैं। आज हम देखते हैं ये फूलों को सृष्टि की करामात देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते किस तरह से ये पृथ्वी माता इस तरह से तरह तरह के पेड़ फूल इनको बन पाए और फिर आगे जाकर के अगर हम अपने ही और होंगे तो देखिए कि हमारे एक आम, हमारे नाम, ये सब कुछ हमारे शरीर यष्टि ये कितनी चमत्कार पूर्ण है। अगर ये सिर्फ एक अमीबा बनी है तो किसी भी कायदे से आज इंसान नहीं बन सकता था इतने थोड़े समय में, इतने थोड़े समय में एक अमीबा से इतने सारे इंसान संसार में बन। बहुत सी चीजों का साइंस में उत्तर ही नहीं और उनको प्रामाणिक मालूम है कि जो कुछ वो देखते हैं और बाह्य दृष्टि से पाते हैं वही इनके लिए सत्य है। लेकिन हमारे अंदर कुछ है या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिससे हम इस क्रांति को प्राप्त हुए ये वो नहीं जानते, वो ये नहीं बता सकते कि ये इवोल्यूशन ये उत्क्रांति है, इसका कोई भी उनके पास का विवरण नहीं पाया। उनसे पूछे कि एक बीज कर हम जमीन में बोते हैं तो ये बताइए कि सहज वो बीज कैसे बन जाता है
और चोकर पड़ता है और जिस बीज को बोते हैं उसी का पौधा उसमें से निकलता है और एक ही हद तक अपनी सीमा में ही रहेगा और उसी बीज के अंदर क्या सारे ही बीजों का नक्शा है जो उपवास में बनाया है। इतना बड़ा सूक्ष्म कार्य हो रहा है लेकिन हम जीवित कार्य के और देखना ही नहीं चाहते क्योंकि उसके मामले में हम कुछ कह भी नहीं सकते। ये सारा कार्य ये चारों तरफ करी हुई परमात्मा की देव की सृष्टि है। ये सारी देव की सृष्टि इस कार्य में है वही सारे जीवित कार्य करें वही हमारे हृदय में। अब हम जो भी आगे कह रहे हैं उसको आप सोचेंगे कि हम कुछ कल्पना करें सो बात इसे एक धारणा समझना चाहिए हाइपोथेसिस समझना चाहिए और अगर हम इसे सिद्ध कर दें तो फिर आपको ईमानदारी से मानना चाहिए कि ऐसी चीज हमारे अंदर है। पहले तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल नालायक हैं हम इंसान हैं हम किसी योग्य हैं हम कुछ कर ही नहीं। इस तरह से पहले ही से हम अपने तरफ सोचते हैं कि भाई आखिर हम तो क्या है नहीं इतिहास। दूसरे तरफ ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं कि नसीब नसीब कुछ नहीं है और या भगवान वगैरह कुछ नहीं है सिर्फ जो हम करेंगे तो पाएंगे। बहुत से लोग हैं जो बुद्धि के बल पर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो गलत गलत जगह पर जा करके संतोष पा रहे थे हमने जो पा लिया था। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो साधक जो संतुष्ट हैं और जो सोचते हैं कि इसके अलावा कोई ना कोई मार्ग नहीं होगा। आज संसार में इतने ही प्रश्न हमारे सामने हैं चाहे वो गरीबी के हो चाहे वो आपके पॉल्यूशन की हो किसी भी चीज की हो इसका कारण मनुष्य मानव ने ही सब गड़बड़ कर तो मानव की यही गड़बड़ है। इसे ठीक करने के लिए अगर मानव ही परिवर्तित हो जाए उसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए उसमें परिवर्तन हो जाए तो आप सोचिए कितना बड़ा कार्य हो जाए। इसीलिए कहा गया है सब शास्त्रों में कि आप आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त करो। पर आजकल के जमाने में लोग कोई शास्त्र को पढ़ते हैं कुछ न कुछ उठपटांग बातें लोग जो बताते हैं वो सोच लेते हैं जैसे नानक साहब ने कहा है कहे विवर को जन जाए कहे ना तो भी आपा जी ने इसे जब तक तुम अपने को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा भ्रम नहीं जाएगा। इसने नहीं कहा सब ने यही बात देखते हैं ईसा मसीह ने कहा यू आर टू बी बॉर्न अगेन तो बस उन्होंने पट्टी लगाई है वी आर बॉर्न अगेन सोचने लगा कि वाह हमने पट्टी लगाई है ऐसे पट्टी लगाने से आप बॉर्न अगेन नहीं होते। जो आदमी ब्रह्म को जान लिया जिससे ब्रह्म को प्राप्त किया वही बुद्ध है। एकाग्र में अपने को कहते कि हम बुद्ध हैं आप बुद्ध नहीं हो। किसी भी तरह की धारणा मन में नहीं करते या विचार में रखते आप उसे प्राप्त नहीं। ये चीज अंदर से होने की है और वो होनी बहुत आसान है बहुत सरल है बहुत सरल है। इसका कारण यह है नितांत आवश्यक जैसे हमारा श्वास लेना नितांत आवश्यक है उसी प्रकार ये उत्क्रांति का आखिरी कदम भी अत्यंत आवश्यक है। और ये कल्प के घोर स्थिति में ही होने वाला है। इसी वक्त आप अपने साथ बैठे हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं उस पर अभी आपको बताया गया इससे क्या क्या लाभ होते हैं जो कि आप बाह्य का देख सकते हैं शारीरिक मानसिक बौद्धिक आपके लिए हर तरह से
大型やつ。あら。いくさんいねんね。いってば、あっけんなしゃきやだ。じっしゃきてから、あっきどごこに、でしゃきてた。おけび、あっきどごあらんかった。おけび、まじもあっかんでた。हर तरह की पूरी आदमी अपने आप छूट जाती है। घर की व्यवस्था ठीक हो जाती है, बच्चों की व्यवस्था ठीक हो जाती है, खेती बाड़ी में भी दस गुना ज्यादा टिकाऊ होता है और घर के जो जानवर है वो भी बहुत बेहतरीन स्वस्थ रूप से जीवन व्यतीत करते और दस गुना ज्यादा दूध आती है। ये तो सब प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे भी अगली बात जो मैं आपसे आज कहता हूँ वो ये है कि आप आध्यात्मिक अनुभव आता है, आपको अपने आत्मा का अनुभव आता है। जब आपका आत्मा आपके चित्त में आता है तो आपके ऐसे लग आपके उंगलियों में आप जान सकते हैं आपके कौन से चक्र खराब है और कौन से चक्र जोड़ खराब। इसे साबुन से कराने के कि आप अपने बारे में जानते ही हैं, व्यष्टि में तो आप जानते ही हैं और समष्टि में भी आप जानते हैं कि दूसरों को क्या कहते हैं। अगर आप ये समझ लें कि ये तकलीफें किस तरह से लगा दिया, इस हाथ में आने वाली इस शक्ति को आप किस तरह से चलाए मान करें जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं, बस हो गए, आप अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी। दूसरों का भी भला कर सकते, इसमें कोई नहीं है और कोई आपकी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि सहज सहज में जब ये शक्ति मिल जाती है और आप समय से रहने लग जाते हैं तो आप कभी ये नहीं कहते कि मैं कह रहा है, ये हो रहा है, चल रहा है, बन रहा है। और जब ये परम चैतन्य स्वयं ही आपको देखता है तो आप आश्चर्य करते हैं कि अरे ये कैसे मेरी मदद हो गई, ये कैसे मुझे मिल गया, ये कैसे नहीं हो गया। आप इस आश्चर्य में पड़ जाते और ऐसे आश्चर्य हर एक सहयोगी को आप को अपनी लंबी दास्तान बताते हैं। दूसरी जो बात आत्मा से आप काम करते हैं, इस आत्मा के प्रकाश में आप एक मेव को एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते हैं। आप सब जानते हैं कि हम आपके सामने खड़े हैं क्योंकि आप आपसे देख रहे हैं और आप हमें सुन रहे हैं अपनी कान से, लेकिन आपकी जो धारणा है वो दूसरे की नहीं। आप एक चीज को मानते हैं दूसरा मानता रहे, आप एक तरह की प्रणाली में व्यस्त हैं तो दूसरा दूसरी प्रणाली में व्यस्त है। घर में कहता ये अच्छा है, वो कहता ये धर्म मेरा अच्छा है, इसका कहता ये धर्म मेरा अच्छा है और सब सोचो मैं बड़ा अच्छा हूँ, हालांकि कोई भी खास धार्मिकता किसी में दिखाई नहीं। इसका कारण यह है कि जिस चीज को हमने माना उसको अभी तक परखा नहीं और परखने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं कि यह सत्य है या नहीं। इसके लिए तो आपके चैतन्य लहरियां बननी चाहिए, तब आप फौरन सत्य है कि सत्य है या नहीं। आपका पूछा जाए कि सत्य है क्या परमात्मा है, इस तरह हाथ करके अगर आप पूछे तो आपके हाथ में आप लिखेगा ठंडी ठंडी लह लहरी चैतन्य जाएंगे और पहली मतलब आप इस चैतन्य का अहसास उसको आप जानेंगे। पहली बार आप इस अद्भुत शक्ति से प्लावित नरिश तो आपके लिए एक बार जरूर कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, क्योंकि इसी आत्मा के
प्रकाश में आप सबको पूजा। हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे बिल्कुल उत्तर ध्यान रखें, क्योंकि ये कोई ऐसी ही बात है कि जब तक आपके पास दृष्टि ही नहीं आएगी तो आप कैसे हमें समझाएंगे। तो ये दृष्टि आना जरूरी है, तब आप सत्य और असत्य हो जाएंगे। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण आत्मा से होती है कि आपका चित्त प्रकाशित, चित्त प्रकाशित हो जाने से आपको अपने रूप दिखाई देने लगते हैं और दूसरों के रूप दिखाई देने लगते हैं, पर वो चक्रों पे दिखाई देते हैं। ये आदमी ने सफेद कपड़ा पहना है, दूसरा कपड़ा, पर बहुत ही सूक्ष्म इन चक्रों में दिखाई देते। तो आप समझ जाने लगे हैं क्या मेरे अंदर दोष है और क्या इस आदमी के अंदर दोष है। अगर आप इस बात को समझ लें तो बहुत ही आपके लिए आसान है, सहज है कि आप अपने को भी ठीक कर दें और दूसरों को भी ठीक कर दें। इसके अलावा जो हम लोग बहुत शांति की बात, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि शांति से समझे भी शांति के बड़े दिन और उतने गर्म तबीयत के लोग हैं, वो मुझे आश्चर्य होता है कि उनके अंदर ही शांति नहीं, वो बाहर क्या शांति में लाएंगे। किसी न किसी राजकारण के वजह से किसी को आप शांति से दूर कर लीजिए, किसी न किसी और वजह से आप किसी को कुछ भी चाह लीजिए, लेकिन सत्य ये है कि शांति जो है वो जब तक अपने अंदर न होगी आप शांति कैसे फैला सकते। स्वगत आपके अंदर विचारों के अंदर तो विचार एक तरफ से उठ करके फिर डूब जाता है, दूसरा विचार होता है और दूसरा यह विचार आपके भविष्य से और भूत का विचार है, किंतु ये वर्तमान काल में आप विचार आपके विचार है। जब आपकी लगनी चलती है तो वो इन विचारों को लंबा कर देती है और उसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब, उस विलंब की जगह आपका वर्तमान काल है। इस वक्त आप विचार समाधि को प्राप्त, ये आपको सही प्राप्ति होती है कि आप विचार समाधि को प्राप्त। उसके बाद जो हमारा काल ये खुल जाने से हमारे अंदर ये बाहर की शक्ति अंदर बहने लगे, और जब ये योग या ये संबंध या कहना चाहिए कनेक्शन स्थावर हो जाता है, तब ये शक्ति पूरी समय हमारे अंदर दौड़ने लगती है और तब हम एक दूसरे ही मानव हैं। सबसे तो बड़ी बात यह है कि हम समस्त हो जाते हैं, सब अर्थ माने जो हम महामानव हैं वो हम महामानव हैं। वो महामानव स्थिति में मनुष्य एक सारी दुनिया की तरफ, एक जीविका की तरह से देखता है, एक नाटक की तरह से देखता है, उस पर इन सब चीजों का चले जाता है। और जबकि आप पानी में रहते हैं तो आपको डर है कि आप डूब जाएंगे, लहरों से आप डर जाते हैं, पर अगर आप नाव पर चढ़ते हैं तो आपको कोई डर नहीं है। इसी प्रकार आप नाव पर चढ़ जाते हैं, उसके बाद वर्तमान यदि आपने तैरना सीखी तो आप पानी में डूब सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। इसी प्रकार आपकी जो उन्नति होती है वो पहले तो आप नाव में बैठ जाते हैं, आप साक्षी को रूप देखते हैं इन सब चीजों को, और उसके बाद आप खुद ही एक तैराक हो जाते हैं कि आप दूसरों को बचाने का पूर्ण तरह से अधिकार प्राप्त करते हैं। आप अपने दिन को भूल जाते हैं और दूसरों की भी पूरी तरह से आप जानकारी रख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हम एक चिराग के अंग बन जाते हैं। लेकिन जैसा कहा ही जाता है, अंग्रेजी में भी कहते हैं कि एक होता है माइंड कंट्रोल और एक होता है माइंड कंट्रोल, कहने की बात
और जब पूर्ण सागर हो जाए, जब पूर्ण सागर हो जाए तो फिर उसकी शुद्रता, उसका छोटापन, उसकी दरिद्रता और उसके अंदर जितने भी वैभिन्न है वो सब नष्ट है। इसी प्रकार आपको भी वो शुद्ध होना है और इसकी पूर्ण व्यवस्था परमात्मा ने आपके अंदर कर रखा। मैं कुछ नहीं करती, सच बात यह है कि आप ही अपनी शक्ति, आप ही की ये बात है जिंदगी, वो सारे से सर्कल में बैठे कोरोनाकाल अस्थि में आराम से आपकी माँ बैठी है इंतजार में कि वो दिन आए जिस दिन मैं अपने बच्चों को या बच्चे को पुनर्जन्म दूँ। वो तो इतनी लालायित है और वो चाहती है कि किसी तरह से मैंने इस कार्य को संपन्न रखूं, लेकिन आज तक हमारी दशा और आज वो समय आ गया है जब आपको बाबुली तरीके से ये प्राप्त हो सकता है, इसे हम आत्म साक्षात्कार आत्मा के बारे में अनेक बातें कही गई थी कि उसमें अनेक तरह के आनंद आत्मा आनंद परमा आनंद और बिना आनंद यानी बिल्कुल आनंद ही आनंद में आप उस आनंद और आनंद में इसका मतलब ये नहीं कि आप असलियत से नहीं बोलते हैं पर आप असलियत से समझते हैं। जब तक आप नाव में नहीं बैठेंगे तब तक आप जो आपके प्रश्न है उनको देख ही नहीं, तो उसका हल कहां से निकालें? जब आप उन सब प्रश्नों से बाहर निकल के आते हैं तब आप देख सकते हैं इसका हल क्या है और आप इसका हल भी निकालें। आज मेरा मतलब करिए, ये युग बहुत महान है। नंद रमन जी आख्यान में कहा था जबकि नल को समय में छोड़ा हुआ और बहुत दुखी थी, एक दिन उन्हें कभी मिल गया तो मैं उसको पकड़ गया और क्या मैं उन्हें मार ही डालूंगा तो तेरे कारण उनके लोग सब नाश हो जाते, तेरे कारण लोग खो जाते, तेरे कारण लोग शुभ हो जाते, तो मुझे तुझे मार ही डाल। कुछ वर्ष उसने नाथ से कहा कभी में ठीक है तू पहले मेरा महान हो जान लो कि मेरा क्या महान है, उसके बाद तू मुझे मार दे। मेरा महत्व ये है कि जब मेरा युग आएगा तब जो लोग इन्हीं कंगनों में घूम रहे हैं और सत्य को खोज रहे हैं वो एक कर्मशाला है गृहस्थ में जन्म लेते और उस वक्त में ही वो उस सत्य को प्राप्त कर अब मुझे मानना हो। तो उसने कहा कि कलयुग में क्यों होगा ये, क्योंकि कलयुग में ऐसी कि मनुष्य की दृष्टि उठ होगी, वो सोचने लगेगा इन सब चीजों में से निकलेगा कोई ना कोई मार्ग, वो मंदिरों में जाकर थक गया, मस्जिदों में जाकर थक गया, वो पॉलिटिक्स में जाके थक गया और दुनिया में ब्रह्मांड करके थक गया और अब कहेगा कि आखिर ये है क्या समझ। उस वक्त वो साधक बनेगा, जब वो साधक बनेगा तब उसे ये प्राप्त होगा। ये बिल्कुल सही बात आदि मैंने बहुत सी भविष्यवाणियां बताई थी, लेकिन ये भविष्यवाणी तो कभी नहीं है कि अपने मानना, ये तो एक बात आपको पता नहीं है कि ये जो परम चैतन्य है ये तटस्थ है, ये बिल्कुल तटस्थ है। आज मैं देखती हूँ मजाक बड़े से कृत युग हो गया और ये कृत युग ने इस परम चैतन्य को भी बहुत जबरदस्त कार्यान्वित कर डायनामिक कर और ये परम चैतन्य इस कार्य बनाए।
हर पल हर पल आपको अनुभव आएगा आपकी साक्षात्कार के बाद कि जैसे पूरी समय आपकी कोई मदद करा है, पूरी समय कोई आपके पास ऐसा लगा हुआ है, समझ नहीं आता मुझे सामने चला रहा है, नहीं नहीं हर समय मैं ऐसे आनंद तो इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए भी आपको पहले आत्म साक्षात्कार करना है। सिर्फ अगर कोई कह रहा है कैसे आनंद मिलता है, मुझे गलत लगता है, अपने को बुलावे नहीं करना और अपने साथ ईमानदारी करना। अगर ये सब चीज आपके के लिए है तो उसे क्यों ना प्राप्त किया जाए, और अगर आपकी ये जिंदगी नहीं है और आप ही की माँ है अपनी छोटी जो कि आपके बारे में जानती है और जो लाला ये है कि आपको किसी तरह से आत्म साक्षात्कार दे तो फिर क्यों नहीं इसे स्वीकार किया जाए और क्यों नहीं इसे मान लिया जाए, उसे शंका शंका करने की कौन सी बात। आपसे कोई रुपया पैसा मांग नहीं रहा, कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दीजिए, कोई उस चीज को आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी अमूल्य चीज है कि जो लोग भगवान के नाम पे पैसा मांगते हैं उनसे बहुत खबरदार है। परमात्मा को क्या बैंक का पैसा पहुंचता है क्या, कभी नहीं, ये तो हम लोगों ने बनाया संकल्प है, परमात्मा को इससे क्या बात है। पर हम लोग जो है अभी ऐसे संसारों में पड़े हैं, जब तक हम पैसा नहीं देंगे तो सोचते कोई लागे नहीं, देना नहीं, परमात्मा ने जो हवा दिया इसके लिए हमने कभी पैसा दिया है, पर जब मनुष्य गलती करता है तो इस हवा के लिए भी कर सकता, ये सब मनुष्य की ही मांग करते हैं, इसलिए हमको इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है। मनुष्य की ये जो बातें हैं ये जितनी गुंजाई है उतनी ही आशापूर्ण है कि गर्म मनुष्य में परिवर्तन आ सकता है, सारे समाज का समाज, सारा बंधु, सारा हिंदुस्तान या कहिए तो सारा आपका विश्व ही गर्व परिवर्तित हो जाए। सब लोग परिवर्तित रत्न लेकिन काफी तादाद लेकर परिवर्तित हो जाए तो दुनिया में क्योंकि एकदम आप निर्मल हो जाए, एकदम आप समर्थ दिखाई दे रहे और आप पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है कि आपको कहाँ जाना है और आप मजबूरी पे बहुत आसानी से पहुंचे। ये सब सुनने में आपको बहुत अजीब सी बात लगनी होगी और सोचने लगे कि बड़ी चमत्कार है जो ऐसी बात है, ये सब बातें हैं और आज यही आपको आपके साक्षात्कार का सब जहाँ भी लिखते बैठे हुए हैं सबको ये आपको साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। आपको एक ही बस बात है तो सोचिए कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा होगी, अगर आपके अंदर शुद्ध इच्छा नहीं तो ये चीज आपको जबरदस्ती नहीं लाती, क्योंकि परमात्मा ने आपको जो स्वतंत्रता दी है उसका तो मान लगा नहीं, आप स्वतंत्रता में इस चीज की इच्छा है, क्योंकि कुंडली जो है वो शुद्ध इच्छा है, बाकी की इच्छा आप जानते हैं कि आज एक इच्छा हुई चलिए हम घर बनाए फिर हम इसको फिर आगे पूछेंगे, मतलब जो चीज दीदी उसे हम संतुष्ट होते नहीं और आप जानते हैं कानून का लड़ाई है ये कौन सा नेवर सैशनेबल रीजन है तो कभी हम खत्म नहीं बनवा रहे इच्छा को इच्छा, इसका मतलब ये कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, शुद्ध इच्छा बिल्कुल हमारी इच्छा की इच्छा नहीं है, शुद्ध इच्छा एकमात्र चाहे उसके बारे में हम जाने या न जाने इस परम चैतन्य से हमें एकांतारिता प्राप्त, ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए, जाने अनजाने यही शक्ति हमें हर जगह ले जाती है और हम इसको देखते हैं, कोई पैसे में खोजता है, कोई सत्ता में खोजता है, कोई घर गृहस्थी में खोजता है और अंत में जानता है इन सब में वो आनंद फिर वो मिलता है और सोचता है किस जगह से परम आनंद मिल सकता है और वो जगह हमारे अंदर हमारे लिए है, किंतु सिर्फ इसके बारे में बोलने में
हमारे हिंदुस्तान के दुश्मन जो कि ईमानदार हो गए
कि आश्चर्य लोग करते हैं कि इनके पास इतनी ईमानदारी कहाँ से आ गई, और प्रदेश के सहयोग इतने चरित्रवान हो गए किसी औरत के और नजर उठा के नहीं देते। ये क्या चमत्कार है, ये तो एक झूठ बंद है और आप सब बन सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग आज उस महान पद को प्राप्त करें। इसमें मेरा कुछ लेना देना है, मेरा कोई किसी प्रकार का उपकार नहीं। कोई माँ अपने बच्चों के लिए कुछ करती है तो वो इस प्रेम से करती है, वो इसीलिए कि उसे प्रेम है, उस प्रेम ने इस कार्य किया। इसका लेना देना क्या बन सकता है, यही ना कि माँ चाहे कि मेरे बच्चे उससे भी बड़े हैं, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, उससे भी ज्यादा प्रेम में हो जाए, उससे भी ज्यादा करुणा में बन जाए, सब तरह से खुशहाल और आनंद में अपना जीवन व्यतीत करें। इसके अलावा माँ क्या है और कुछ नहीं जाते। और ये देश जहाँ की माँ की पूजा होती है, जहाँ पर भक्ति को माँ की शक्ति देखा जाता है, इस देश में तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ माँ को लोग समझते भी नहीं, उसका कोई महत्व भी नहीं। ऐसे देश पर देश उन लोगों ने माँ को मान लिया है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है कि इस योग भूमि में आप बैठे हुए हैं, आपकी परंपराएं हैं, आपके चरित्र इतने उच्च हैं, आपके इतने बड़े बड़े चरित्रवान साधु संत दृष्टा हो गए और आप शुरू से प्राप्त करें और इसके अगर रह गए। उनकी बात यह है कि इन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, जैसे दशरथ वगैरह तो वो बड़े मेरे बैठ गए, समझ में नहीं आता। एक गांव से दरिया से है, वहां तो अनेक जगह हो रहा है, पर एक गांव से दरिया से है जहाँ पर आप जो आश्चर्य होगा सुनिए कि 22,000 सुनियों की वहां पर राजा में 22,000 और एक गहरे तो फिर इस देश में जहाँ पर हमने हमेशा सत्य की बात, जहाँ हमेशा आत्मा की बात की है और जहाँ पे हमेशा परमात्मा की खोज की है, ऐसे महान देश में ये कार्य कितना महान होना चाहिए। मुझे पूरा आशा है कि एक दिन हम लोग सब जागरूक होकर इस सत्य को प्राप्त करें। तो आप सबको मेरा अनंत आशीष।